सो हाय क्लास 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 क्लास, क्या हाल है आप सभी के? गुड 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 आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई? सभी के सभी क्या हाल? सब बढ़िया, चकाचक एकदम मस्त. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. आई एम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू. सभी को वेरी गुड आफ्टरनून. मैं एकदम बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया. उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एकदम अच्छे होंगे. क्या हाल चाल सभी के? सब बढ़िया मस्त टनाटन. मैं भी बढ़िया. गुड 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 आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. सो कैसे हाल हैं सभी के? थैंक यू सो मच. मैं प्रीति लग रही हूँ आज. मैम रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती है, मिल जाती होगी यार, ऐसी क्या बात. बढ़िया नहा कर आई हूँ आज मैं इसलिए अच्छी लग रही हूँ. चलो मैं आपको बताया था. अब मेरी तबीयत कल भी ठीक थी यार, कल कौन सा खराब थी? कल भी तो मैं बस एकदम बातें कर रही थी तुम लोगों से. आज मैं आप लोगों को लेंस पढ़ाने वाली हूँ और लेंस के साथ साथ मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगी, वो आपको लिख कर चलनी है. तो सबसे पहले अगर आपसे कभी भी कोई भी लेंस के बारे में पूछता है, व्हाट डज लेंस मींस, आपके लेंस में से सवाल पूछने के लिए जरूर 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 आते हैं, तो आप जरा इन चीजों का ध्यान रखिएगा. हेलो हेलो सभी को, हेलो हाय फ्रॉम माय साइड. तो लेंस में से आप लोगों के क्वेश्चन जरूर 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 पूछने के लिए आते हैं. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि लेंस के सवाल पूछने के लिए ना आए. रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, परफेक्ट मिलती है. तो लेंस एक ऐसी चीज होती है जो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है. यानी हाँ, एक क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ से. लेंस एक प्रकार का उपकरण है जिससे प्रकाश गा 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 गुजरता है. जिससे प्रकाश गुजरता है, जिससे प्रकाश गुजरता है और हम चीजें देख पाते हैं. ठीक है, सो लेंस इज अ टाइप ऑफ, क्या होता है आप लोगों का, लेंस इज अ टाइप ऑफ उपकरण को बोलते हैं एपरेटस, दो विच लाइट कैन पास. मनीषा रानी, इट्स बायोलॉजी बाय काजल. ओके हेलो काजल जी, आपकी पहली क्लास है, आपका बड़ा स्वागत है भाई. ठीक है, सो ये बात आप ध्यान रखिएगा, लेंस एक प्रकार का उपकरण होता है जिससे प्रकाश गुजरता है. डन 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 डना डन डन. तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाली हूँ किस चीज के बारे में. आपके लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कन्वेक्स, एक होता है आप लोगों का कन्वेक, कनकेव. तो हम कन्वेक्स को उत्तल बोलते हैं. इसको अवतल बोलते हैं. हाँ पेपर, जनरल पेपर आपका इससे हो जाएगा. विजय कुमार जी, विजय कुमार जी, बिल्कुल हो जाएगा. हाय, तो आपके दो प्रकार के लेंस होते हैं भाई, लेट मत आया करो बिल्कुल भी. ये आपकी दूसरी स्लाइड है. अभी जरा मैं पहले बैठ कर तुम्हें पहली वाली स्लाइड बता देती हूँ. पुनीत कुमार जी, ओके ओके.
नहीं, कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है साहिल, मिरर में लेंस के बाद पढ़ाऊंगी। मिरर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसलिए मुझे लगा मिरर बाद में पढ़ा दूंगी, लेंस करवाऊंगी पहले उसके बाद, क्योंकि लेंस में से तो मेरी गारंटी है कि सवाल आएगा ही आएगा, मिरर का कुछ ऐसा सीन है नहीं। ये सेकंड वाला पेज है, जितने स्टूडेंट्स लेट आए हो जरा देख लो भाई। मैं आपको यहां पर बता देना चाहती हूँ, ये आप लोगों का बीच से मोटा होता है, इनकी पहचान तथा इसके किनारे पतले होते हैं, किनारे पतले होते हैं। सो इट इज थिक एट मिडल, थिन एट कॉर्नर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एक बच्चा है, बच्चे के पास एक ऐसा लेंस है जो किनारे से मोटा है बीच से पतला है, या बीच से मोटा है किनारे से पतला है, तो ऐसे सवाल भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको इनकी पहचान भी होनी चाहिए। देखिए आपका जनरल पेपर तो हर किसी में होगा, आप बड़े लेवल के लिए अमित सर और सोनू सर से पढ़िए, लेकिन यहाँ पर आपका जनरल पेपर है, जनरल आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, या आप लोगों का बीच से पतला और बीच से पतला और इसके किनारे मोटे होते हैं, इस वाले लेंस को हम लोग, अरे तुम संजू तुम्हारे दिमाग में कुछ कमी है, इसका क्या उदाहरण दूंगी मैं, लिखवा तो रही हूं, दुखी कर रखा है एकदम, लिखने तो दो, इसका क्या उदाहरण दूं, बिल्कुल थोड़ा सा यार समझ लो यार, हद मचा रखी है। इसको हम डाइवर्जिंग कहते हैं, इसको हम कौन सा लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग। ये वाला जो मेरा चश्मा, आ ये वाला जो मेरा चश्मा है, ये कनकेव है, इधर वाला है, ठीक है, ये जो चश्मा है भाई, मेरे पैर में इतनी चोट लगती है, इतनी चोट लगती है कि मैं क्या बताऊं। डाइवर्जिंग, इसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है ये सारी की सारी रेखाओं को एक केंद्र पर केंद्रित कर देता है, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है एक कोने से सारे कोने में रोशनी फैला देता है। एरोस का ध्यान देना है, अभिसारी, ठीक है, इसको हम हिंदी में अभिसारी बोलते हैं, ये अपसारी। तो लेंस की ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। गुड आफ्टरनून भाई, लेट क्यों आ रहे हो आप लोग, दीपिका, हाय साहिबा, साहिबा प्रवीण, जल्दी से लिखो भाई, जितने लेट लतीफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, लिख लिया आप सभी ने, जितने स्टूडेंट्स हैं अगर लिख लिया है तो आप मुझे बताओ। हाँ मैंने कल होमवर्क दिया था ना आप लोगों को, जरा और बता दो। थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, जरा होमवर्क बता दो अब जरा मुझे। हाँ भाई गुंजन, कोई ट्रिक नहीं है, एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क में मैंने क्या दिया था आपको, लेफ्ट और राइट बताया था ना। चलो बताओ होमवर्क करके लाए हो कि नहीं, ऐसे ही आ गए हो बिना होमवर्क करे, होमवर्क भी नहीं करा होगा, बहुत बढ़िया, नहीं किया ना होमवर्क तुमने, अभी बताऊंगी मैं तुम सबको, रुक जाओ जरा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कन्वेक्स लेंस बताऊंगी। आपको सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन याद रखनी है वो कन्वेक्स लेंस की करनी है, ठीक है, क्या करनी है आप लोगों को, कन्वेक्स लेंस। कहीं से कुछ पूछने के लिए आए या बिल्कुल ना आए, कन्वेक्स लेंस से पूछने के लिए जरूर आता है। होमवर्क में मैंने आपको लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पूछा था, क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल बताओ, किसी को मालूम है, करना ही नहीं है होमवर्क। सबसे पहले यहां पर आपको दो चीजें लिखवाऊंगी मैं, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है और इसकी इमेज कैसी बन रही होगी, आपको ये दो चीजें हमेशा और हमेशा पूछने के लिए आती हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है,
नहीं, आपका भी पहले पैरेलल ले लेते हैं लाइन को. आपकी जो रेज आ रही है वो कहां पर है? पैरेलल है. ठीक है मेरे प्यारे साथियों, पैरेलल का मतलब होता है आप लोगों का पैरेलल है, इन्फिनिटी पर है. इन्फिनिटी को हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी का साइन ही होता है समांतर रेखा है. समांतर है, इन्फिनिटी है. तो आप इसकी इमेज देख लीजिए जरा. आपके पास लेंस है, ये आपका प्यारा सा लेंस. मैं अब आपको बता देती हूँ कि ये फोकस होता है, ये ट्वाइस ऑफ फोकस होता है. इधर भी फोकस होता है और इधर भी 2F होता है. यहाँ पर हम अपनी मर्जी से एक पॉइंट मानकर चलते हैं जिसको हम ओ बोलते हैं, जो पूरे लेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं अनंत. इसको क्या बोल देते हैं? अनंत. अब हम लोग ये मानकर चल रहे होते हैं कि आपकी जितनी भी रेखाएं हैं जो कि अनंत से आ रही होती हैं, कहाँ से आ रही होती हैं? अनंत से आ रही होती हैं. वो सारी की सारी रेखाएं सबसे पहले फोकस से होकर गुजरती हैं. कहाँ से होकर गुजरती हैं? फोकस से होकर गुजरती हैं. तो हम यही मानकर चलते हैं आपकी जितनी भी इमेज है वो कहाँ पर होकर बनेगी? आप लोगों की फोकस पे. ठीक है, तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है जी? फोकस. आप लोगों को ऐसे ही लेंस बनाना है अच्छे तरीके से. आराधना जी होमवर्क करके लाई है लेफ्ट हैंड रूल का, और आपसे यहां पर पूछ भी लिया जाएगा आपकी इमेज कैसी बनती है. तो रियल इन्वर्टेड बनती है. कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड. असली इमेज बनती है और उल्टी बनती है. असली को हम वास्तविक भी बोलते हैं. ठीक है, तो कुछ भी वर्ड लिखने के लिए आए कंफ्यूज मत होना. वेरी गुड. इंडेक्स फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज योर लेफ्ट हैंड रूल. तो आप लोगों को समझ आया? आपसे पूछ लिया जाता है, यहां से इस प्रकार के सवाल पूछने के लिए आते हैं कि भैया आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल है या आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो हमें बता दीजिए कि आपकी इमेज कहाँ पर बन रही है और कैसी बन रही है. तो छोटी इमेज बनती है. राजेश, ये सारी की सारी लाइन पैरेलल है जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती, पैरेलल. संजू, हिंदी नहीं लिखा क्या मैंने? और कौन सी हिंदी लिखूं मैं इसमें? सारे हिंदी जितना था उतना लिख दिया मैंने हिंदी. गुंजन, आपका ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, पैरेलल लिखा हुआ है मैंने फिगर में. ये क्या है? ये इतनी सारी लाइंस मैंने बना रखी, ये ऑब्जेक्ट ही तो है. पैरेलल का क्या मतलब होता है भाई? कतई तुम लोग पढ़ते वढ़ते हो थोड़ा बहुत? नहीं. डॉक्टर शशि कुमारी प्लीज, मैंने ये पेज कर दिया है, आप फटाफट लिख लो. ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज तो छोटी बन रही है. तमन्ना परवीन, हो गया हो गया, ये लिख लिया सभी ने? एक बार डन कर दो एक बार प्लीज. मनीषा, आपने गलत लिखा है, बायोलॉजी बाय काजल करो. ठीक है, अब हमारा जो सेकंड केस है हम देखकर चलेंगे यहां पर. सेकंड, इमेज. इस बार हमारा जो रखा है बियॉन्ड 2F है, यानी 2F के पीछे जितनी भी पॉसिबल इमेज हो सकती हैं सारी की सारी बनाएंगे हम. डोंट वरी, लेंस का कलर हर बार चेंज कर लेंगे. इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम ग्रीन कलर से ले लेते हैं. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा. ऑब्जेक्ट को मैं अब हम मानेंगे कि ये बनेगा कहां पर भाई?
जैसे कि मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले तो फोकस से होकर गुजरती है और सेकंड आपकी यहां से होकर गुजरती है। तो आपकी जो इमेज बन रही है कहां पर बन रही है, एफ और 2F के बीच में। यहां पर क्या बन रही होगी, आपकी इमेज बन रही होगी, ठीक है। तो इमेज बनती है एफ एंड 2F। यहां पर भी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मैं एक एक बार रियल और इन्वर्टेड की हिंदी लिखवा चुकी हूं, अपने आप लिख लेना। जिसकी दूरी ये वाला ये वाला ये वाला जो मैंने पहन रखा ना, कनकेव कोमल, मेरा वाला चश्मा, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाइए जैसे मैं आपको बता रही हूं। सबने लिख लिया? अगर आपके पास दो कलर के पेन हो तो प्लीज दोनों दोनों कलर के पेन यूज करना आप लोग। सभी का हो गया? रेशमी जी जल्दी लिख लीजिए। आपको मैं बता देना चाहती हूं, हमेशा साइज छोटा ही बनेगा, स्मॉल साइज। इस वाले लेंस में हमेशा छोटा ही साइज बनता है। शालिनी जी, मैं अगर लिखवाऊं या ना लिखवाऊं ये अंडरस्टूड है, छोटा ही साइज बनेगा। जिसमें बड़ा साइज बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर पे आपसे बात की जा रही है किस चीज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में। अब हम ऑब्जेक्ट 2F पे रखते हैं। दिस इज फोकस, दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकस, दिस इज ओ, दिस इज एफ, दिस इज 2F। ध्यान रखना इस बार हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, 2F पर है। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ग्रीन कलर से बनाएंगे ताकि आपको पहचान रहे। सबसे पहली इमेज फोकस से होकर गुजरेगी और सेकंड आपकी यहां पर। तो आपकी जो इमेज बनेगी कहां पर बनेगी, 2F पर। आप लोग हमेशा ध्यान रखना यहां पर जो इमेज बनेगी वो आप लोगों की रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड सेम साइज होगी, ठीक है। इस वाले केस में आपकी जो इमेज होती है वो बराबर होती है। जैसी मैं हूं मैं बिल्कुल वैसी दिखाई दूंगी, ना छोटी ना बड़ी, जैसी मैं हूं बिल्कुल वैसी। आप मेले पे गए हो कभी? मेले में 6 लेंस होते हैं जिसमें आप अपने आप को बहुत लंबा, बहुत मोटा, बहुत पतला ऐसे ऐसे दिख पाते हो। गए हो कभी उसमें? आराधना आराधना, चलो जल्दी से लिखो इसको। गुड आफ्टरनून नुसरत जी, भाई लेट काहे को आई हो आज? चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, तमन्ना मैं बता चुकी हूं पहले भी। इस बार जो आपकी इमेज है, लिख लिया है ना सभी ने, मैं फोर्थ नंबर पे बढ़ू? अब बढ़ू फोर्थ नंबर पे? रे बताओ, बढ़ू फोर्थ नंबर पे? हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में, रे डायग्राम्स रट लेना, मैं बता रही हूं। ऑब्जेक्ट इमेज, इस बार हम हमारे ऑब्जेक्ट को एफ एंड 2F के बीच पे रखते हैं। हमारे पास प्यारा सा लेंस है, लेंस का कलर बदल दूं क्या इस बार? गुलाबी रंग का लेंस ले लेते हैं इस बार,
है ना, ये कलर विजिबल तो है, बिल्कुल विजिबल है भाई, क्यों नहीं होगा भला। बोर हो गए यार, एक ही कलर का लेंस कब तक पढ़ेंगे। फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस, दिस इज फोकस, दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकस। इस बार आपका ऑब्जेक्ट ठीक है, ये फोकस से होकर गुजरेगी। तो अब आपकी जो इमेज है यार, मैं तो बिना स्केल के भी कितना अच्छा बना रही हूं, मजा कर दिया मैंने तो भाई कसम से यार। इमेज इधर बनेगी, देख रहे हो, देख रहे हो ना विनोद, मैं कितनी अच्छे से काम कर रही हूँ। ये क्या है, आप लोगों का ऑब्जेक्ट है। तुम लोग बना पा रहे हो इतनी सीधी लाइंस, नहीं बना पा रहे हो ना। हाँ, ड्रॉ ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको चार ड्रॉइंग्स जरूर पूछी जा सकती हैं, चारों पूछ लिया जाएगा। देखिए बीपीएससी का, सीटेट का, DSSB का, EMRS का कोई भरोसा नहीं, इनमें से चार तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी, आप पहचान नहीं पाओगे फिर। ठीक है, आपकी इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2F। ये भी आपकी रियल इन्वर्टेड स्मॉल, रियल स्मॉल और इनवर्टेड। हाँ जगजीवन जी, एक फोकस से पास होती है तो एक हमारे पोल से भी पास होती है 100%, वरना क्या फायदा। पोल कहेगा भाई मुझे लेकर ही क्यों आए हो, जब कोई रे मेरे से होकर ही नहीं गुजरेगी, मेरा क्या वजूद रह गया है फिर। फटाफट लिख लो दोस्तों। पूजा जी मैं अब बैक बिल्कुल भी नहीं करूंगी, आप लेट आई हो, चलो जल्दी से देख लो फिर। डन, ये वाली इमेज भी डन सबकी, गुलाबी वाली इमेज हो गई कि नहीं हुई अभी। नहीं नहीं बैक नहीं कर रही मैं भी। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। 5 जुलाई से कौन सी क्लास थी, कौन सी क्लास थी मास से। हाँ इस वाले केस में इमेज लार्ज नहीं होती, इमेज लार्ज होती है आपके दूसरे वाले केस में, भी लिखवाने जा रही हूं। पॉल यही रहा अपना बीच वाला ऑप्टिकल, इसमें तो स्मॉल ही होती, इसमें लार्ज नहीं होती। डन है, डन है कि नहीं है। 2F के केस में स्मॉल इसमें नहीं होती, जितना आपका साइज है मैग्नीफाइड नहीं होती, स्मॉल ही मानी जाती है वो, डिमिनिश्ड ही बोलते हैं उसको, हम लार्ज नहीं बोलते, मैग्नीफाइड नेक्स्ट वाले केस में होती है। इतनी बड़ी इमेज नहीं बनती इसमें, इसमें छोटी ही बनेगी, बड़ी नहीं बनेगी। उन तीनों के कंपैरिजन में बड़ी होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में बड़ी नहीं है। ठीक है, हम मैग्नीफाइड नहीं बोल सकते उसको। रवि जल्दी से देख लो, ये वाला भी जल्दी से देख लो। रवि 2F पर है तो 2F पर ही बनेगा। अब यार एक बार में लिख लिया करो, तुम क्या बार 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 पेज पलटवाते हो, क्यों दुखी करते हो मुझे। ऑलराइट, सो पांचवें नंबर पे हम आपसे बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में। इस बार हमने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर। अब हम कौन से कलर का लेंस बना लें, अब हम बनाते हैं नीले रंग का लेंस। फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस, इधर भी फोकस, इधर 2F। इस बार हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो फोकस पे रखा है। Thank you.
इस वाले केस में आपकी इमेज बहुत बड़ी बनेगी। इस वाले केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। आपकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, अनंत पे। आपका ये वाला केस ऐसा होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है तो इमेज बड़ी बनेगी। इसमें आपकी इमेज बहुत बड़ी बनती है, ठीक है, हमेशा बिग लार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। आपकी इमेज कैसी बनती है? इसमें बड़ी बनती है, ध्यान रखना। उसमें सी टेट के साथ साथ क्या मांग रखा है प्रीति? शाजिया मैं बोल रही हूँ, उसमें इमेज बड़ी बनती है, मैंने मान लिया, लेकिन हम उसको डिमिनिश्ड लिखेंगे, एनलार्ज नहीं लिखेंगे। 2F के केस में कह रही हूँ ना आप मुझसे चेक करने के लिए, या मेरे हिसाब से तो एनलार्ज होगी। क्या एक बार देखू मैं, जरा एक बार चेक कर लेती हूँ, मे बी मैं गलत हूँ। इमेज साइज व्हेन एफ एन 2F, यार मैग्नीफाइड लिखा हुआ है। मैग्नीफाइड का मतलब होता है छोटी इमेज। मैग्नीफाइड को बड़ा बोलते हैं छोटा बोलते हैं, मैं इस चीज में थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैग्नीफाइड बनेगी है ना, बड़ी होगी, सही कह रहे हो आप लोग। मैग्नीफाइड से मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, यहाँ पर मैग्नीफाइड लिखा हुआ है। मैग्नीफाइड का मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं अभी भी आपको समझा रही हूँ। सबसे बड़ी इमेज जो बनती है वो आप लोगों की इन्फिनिटी के केस में बनती है। यहाँ पर बाकी तीन केसेस के कंपैरिजन में बड़ी इमेज है, पर इतनी बड़ी नहीं है जितना ऑब्जेक्ट है, उससे थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन अगला जो केस हमने पढ़ा है, अगर इमेज ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज इतनी बन रही है। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा। ओके 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 है ना, ओके ओके। प्लीज गाइज एक बार इसको ठीक कर लेना, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी शालिनी। बड़ी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी जो होगी वो आप लोगों की नेक्स्ट वाले केस में होगी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैग्निफाइड का मतलब बड़ा और डिमिनिश्ड। ओके 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 ठीक। इसमें आपकी खूब बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। इसमें छोटी सी चींटी, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जब हम ऐसे करके देखते हैं और हमको अक्षर इतने बड़े बड़े नजर आते हैं, सेम वही केस होता है। मैं अभी आपको इनकी असली शक्लें भी दिखाऊंगी। नहीं, बीपीएससी में नहीं पूछेगा, मेरे को नहीं लगता पूछेगा पैडागॉजी। यार अगर पूछ रहा होता तो मेंशन कर दिया होता। ऑब्जेक्ट एंड आपकी इमेज। तो अब इस बार हम थोड़ा स्पेशल केस लिखेंगे, रियल एंड लार्ज, ठीक है। साहिल मैं नहीं बता रही बार बार। अब इस केस में हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई, हमने सोचा कि हम अपनी इमेज फोकस, अपना ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। पैडागॉजी नहीं आएगी बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स, दिल थाम कर बैठिए, पैडागॉजी आपको नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। इस बार हमने सोचा हमारी जो ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं, दिस इज स्पेशल केस, वेरी स्पेशल। क्या आपको पता है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेंस और फोकस के बीच में हमने रखी है इस बार, लेंस एंड फोकस। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये स्पेशल केस क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बन नहीं पाएगा, थोड़ा सा इसको नीचे बनाना पड़ेगा, इधर की साइड बना लेती हूँ। क्या कोई मुझे बता सकता है ये स्पेशल केस क्यों है? किसी को पता है ये स्पेशल है क्यों? क्योंकि जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट होगा, इमेज भी उधर की तरफ ही बनेगी। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, केवल एक सिंगल केस ऐसा है ये जहां पर ऑब्जेक्ट होता है उधर की तरफ ही आप लोगों की इमेज बन रही होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल है भाई। तो हम इसको ऑब्जेक्ट को यहां रख लेते हैं, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। वही हमारा पुराना काम,
यार ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इस पेज पे बन नहीं पा रहा है, मैं सेकंड वाले पेज पे बना रही हूँ, रूप रे ऊपर से जाएगी, मेरी बात सुनो, यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। एक तो तुम अगर तुम इसको ना बिल्कुल बीच में बनाना, मैं सोच रही हूँ इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पर मेरा डायग्राम पूरी तरीके से बन नहीं पाएगा। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकंड इमेज आप लोगों की ऐसे टकराकर वापस इस पाथ पर आ जाएगी, और यार ये सीधा नहीं बना है मेरे से, दोबारा से बनाऊंगे, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, सीधा नहीं बन पा रहा है ये, इसमें इतने बड़े बोर्ड पर। ये वाली फोकस से आती है और फोकस पे ही जाती है, उसके बाद ये दोबारा यहाँ पर टकराएगी, फिर वापस जाएगी, तो फिर वापस जाएगी, तो यहाँ तक और यहाँ तक ऐसे ही बना लो। समझ पा रहे हो ना, पहली इमेज आपकी यहाँ पर गई है, फिर फोकस पर गई है, फोकस पे आकर टकराई है, फिर पीछे की तरफ जाकर मिली है। फिर से बनाऊ ना, ठीक से समझ नहीं आ रहा है, फिर से बनाती हूँ, रुको यार। तो मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा बड़े बोर्ड की जरूरत पड़ेगी इस इमेज के लिए हमको। पहली इमेज यहां से, उसके बाद ये जाएगी यहां तक, ठीक है, फिर फोकस पे टकराएगी, जिस लाइन पर आएगी उसी लाइन पर जाएगी, फिर ये मिलेंगे यहां पर कहीं कहीं यहां पर, उसके बाद, ठीक है, ऐसे बनेगा आपका डायग्राम। ये बन गया, बन गया, बन गया भाई, बन गया। फोकस पे आती है, उसी रास्ते पर वापस टकराकर कहीं पीछे की तरफ जाकर मिलती है, ये हमारी इमेजिनेशन होती है। हमने क्या करा है, आभास करा है। कैसी बनेगी आपकी इमेज, सेम साइड पर बनेगी, ठीक है। अगर आपके पास स्केल हो तो आप सीधा बना लेना, मेरे से तो ये सीधा बन नहीं पाया भाई, बहुत जतन प्रतन करने पर भी। आप लोग सिर्फ एक ही ध्यान रखना, केवल एक सिंगल केस हमारे पास है जहां पर जो आपकी इमेज है वो आपकी वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट का मतलब सीधी, आभासी और बड़ी। बस आप इसकी ये वाली क्वालिटी याद रखना, और सेम साइड पर बन रही है। कहां पर बन रही है आप लोगों की इमेज, सेम साइड, सेम साइड बनती है, सिंगल केस है जो स्पेशल है। अरे कल भी क्लास दिखा रहा है क्या? यहां बनेगी इमेज, दिख नहीं रहा है लिखा हुआ? अरे कुछ भी नाम रख दो, वर्चुअल के बाद मैंने इरेक्ट लिखा है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा सीधा। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं है भाई, कैसी बात कर रहे हो। नेक्स्ट, अभी आगे की चीजें अपडेट नहीं हुई है, बीच में पैडागॉजी की क्लास है एक हफ्ता, अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ लेना, आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल मत पढ़ना, लास्ट क्लास नहीं है, कैसी बात कर रही हो, ठीक है। बीच में पैडागॉजी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं बिहार वाले पैडागॉजी पढ़ना, तो मुझे एक हफ्ता पैडागॉजी पढ़ानी पड़ेगी, अगर आपको इंटरेस्ट है आप पढ़ लेना, नहीं इंटरेस्ट है मत पढ़ना, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। इतने आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेना, अरे बहुत सही रहेगा, जिसको पैडागॉजी पढ़नी है वो क्लास में बैठा रहे, जिसको नहीं पढ़नी तो वो एनसीईआरटी पढ़ लेगा मेरे से। अब हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में, कनकेव लेंस के बारे में।
रे भाई, आप लोग यहां पर भी ध्यान रखिएगा, इसका भी सेम सीन होता है। इधर एफ है तो भाई इधर टू एफ है, उधर एफ है इधर टू एफ है। इसकी खास बात एक ही होती है कि जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट हम रखते हैं उधर की तरफ। पैडागॉजी के बाद मैं आप लोगों को कुछ जनरल क्वेश्चंस करवाऊंगी। पैडागॉजी बीपीएससी में है या नहीं है इस बात का कंफ्यूजन एक्चुअली हम लोगों को, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी सबसे पहले हम सोचकर चलते हैं कि हमारी जो रेखाएं हैं वो पैरेलल है, तो पैरेलल ही ऐसे टकराकर वापस से फोकस पे होकर गुजरेंगी, ये बात ध्यान रखना। ये जाती हैं टकराकर वापस आती हैं, क्या होता है आप लोगों का टकराकर वापस आती हैं। दूसरी रे भी आप ऐसे बनाओगे, ये गई है टकराकर वापस आई है, और आपकी जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर बना है, यहाँ पर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ऑब्जेक्ट था अनंत पर, और आपकी जो इमेज बनी है वो फोकस पे बनी है। आपकी मर्जी है भाई, मैं मना नहीं कर रही हूं आपको। पैडागॉजी तो मुझे पढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आया है। इसमें आप लोगों की जो इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है आपकी इमेज? वर्चुअल बनेगी, स्मॉल बनेगी, और आप लोगों की इरेक्ट बनेगी। ये तीन क्वालिटीज होंगी। नहीं, मैंने अब क्लास लगवा दी है एक हफ्ते की, मैं आपको बता रही हूं ना, ये एक हफ्ते की क्लास मैं हटवा नहीं सकती, मुझ पे पेनल्टी लग जाएगी फिर बहुत बुरी तरह। आफीफा अहमद, मैं एनसीईआरटी आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रही हूं, मैं आपको अपना लिंक भेज दूंगी। मुझे स्टार्टिंग में जब मैं बीपीएससी का सिलेबस बना रही थी तो मुझे किसी ने बोला था कि मैम पैडागॉजी भी आती है, तो मैंने पैडागॉजी भी लगवा दी फिर। तो अब तो पढ़नी पड़ेगी भाई, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है बिल्कुल मत पढ़ो, कोई ऐसी मतलब जबरदस्ती की बात नहीं है। बट क्योंकि मैंने सिलेबस में ऐड करा है तो मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगी, मैं उसको मना नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। मैं आपको एनसीईआरटी का लिंक भेज देती हूँ। रुको, मैंने आपको कल पढ़ाई थी एनसीईआरटी में, हीट चैप्टर पढ़ाया था, मैं भेज देती हूँ जरा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसने अभी तक हीट चैप्टर नहीं पढ़ा, एक बार देख लेना जब भी आपके पास फुर्सत हो। कुछ ही बहुत सारे बीपीएससी के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सीटेट का भी पेपर है, तो टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रही हूं उनका, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे कंबाइन भी है ना यहाँ पर, जिनका सीटेट और बीपीएससी दोनों का पेपर है, तो मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकती इस बार, ठीक है। चले, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है। नेक्स्ट आपका जो केस है उसमें हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है आप लोगों का, भाई जिनका सीटेट और बीपीएससी दोनों का पेपर है उनको तो पढ़ाना पड़ेगा ना, उनको मना थोड़ी कर दूं मैं पढ़ाने से। एफ एन टू एफ, बातें हो गई हो तो हम चले। हाँ जी भाई, क्या बातें क्यों कर रहे हो भाई? जिन जिन का सीटेट का पेपर है और बीपीएससी का पेपर है उन्हें तो पढ़ने दो, सिलेबस में तो सारा है। निभा कुमारी, जितनी हिंदी यूज करनी होती उतनी हिंदी मैं यूज कर लेती हूँ एनसीईआरटी में, और ऐसी कोई इंग्लिश है नहीं जो तुम समझ ना पाओ। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ। संदीप कुमार, आपके बीपीएससी के बड़े सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट और बीपीएससी कंबाइन खरीदा है ना, तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा दोस्त। मैंने आपका जितना भी सिलेबस था आपके हिसाब से कंप्लीट कर दिया है, अब मैं अपने हिसाब से किसी भी दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा लूंगी, ठीक, समझ आ रहा है। मैं पैडागॉजी बस एक हफ्ता पढ़ाऊंगी, पैडागॉजी के बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाऊंगी। एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते तो मुझे पैडागॉजी हर हालत में पढ़ानी है, उसके बाद मैं आप लोगों का स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला, या बीच में किसी भी दिन। संडे कहोगे तो संडे में मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं, बस आप मुझे अपना टाइम बता दो किस टाइम आप एक्स्ट्रा क्लास पढ़ना पसंद करेंगे। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है साथियों, आपका ऑब्जेक्ट है यहां पर,
आपको अगर संडे को पढ़ना है तो आप मुझे बता दीजिए, संडे को मैं क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी, अगर संडे आप सभी आने के लिए तैयार हो। रे ऊपर जाती है, ऊपर से टकराकर वापस नीचे आ जाती है। संडे को तैयार हो तो भाई संडे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पर आना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बस केवल क्लास में मैं ही आई हूं। एक बार और ऐसे मुझे किसी क्लास के बच्चों ने कहा था, हम आएंगे, फिर पता लगा सिर्फ मैं ही थी। तो आपकी जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है? आपकी इमेज यहां पर बनती है, सेम साइड। ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका? यहां पर है। अगर आप आओगे संडे को तो मैं पढ़ा दूंगी। अरे संदीप भाई, कुछ कमी है क्या दिमाग में? अभी आपका फिजिक्स कंप्लीट हुआ है, उसके बाद पैडागोजी होगी, उसके बाद केमिस्ट्री होगी, उसके बाद बायो होगी, कहां सिलेबस कंप्लीट हो गया? कैसी बात कर रहे हो यार तुम? हाँ कैसी बात कर रहे हो संदीप? संडे को सनी सर पढ़ा रहे हैं भाई। आप मुझे खुद अपना कंफर्म करके बता दो ना, कौन टीचर किस टाइम पढ़ा रहा है, तभी तो फिर मैं बताऊंगी अपना। संडे को सनी सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा सनी सर, क्या यार सनी सर ने मेरा टाइम छीन लिया, अभी मैं सनी सर से लड़ूंगी जाकर। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी आप लोगों की? इरेक्ट बनेगी, स्मॉल बनेगी, वर्चुअल बनेगी। संदीप मेरे भाई, अभी आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, खत्म नहीं हुई है, क्लासेस चलेंगी अभी। आप अपने आप को बीपीएससी के बच्चों से मत जोड़िए। संडे को सनी सर पढ़ा रहे हैं यार, अभी मैं सनी सर से फोन करती हूँ। सनी सर ऐसे कैसे आप पढ़ा सकते हो संडे को, जब मैंने कहा था तुम लोगों को कि संडे को मैं पढ़ाऊंगी? मैंने कहा था पहले तुमसे, तुमने सनी सर को हाँ क्यों करा बताओ जरा? चलो अब आपके लिए यहां पर मैं एक चीज दिखा देना चाहती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी सनी सर से लड़ना पड़ेगा, तुम रुक जाओ जरा। कन्वेक्स लेंस एंड तो देखिए, ये आपकी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है, ये आपके कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस ऐसे। ये लास्ट वाला केस ये था। अच्छा ठीक है जी, ये आप लोगों का कनकेव और कन्वेक्स लेंस होता है। अब यहां पर मैं सुबह को पढ़ा लूंगी, चलो आपको है ना, मैं सुबह पढ़ा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये आपका कनकेव, रियल वाला देखना है तो रियल वाला ऐसा होता है भाई, रियल लेंसेज ऐसे ऐसे होते हैं। तो सनी सर आपको कितनी देर पढ़ाने वाले हैं? आप मेरी लड़ाई करवाओगे आज सनी सर से? आज आप लड़ाई करवा कर ही रहोगे सनी सर से मेरी, है ना? ये होता है आपका कन्वेक्स लेंस। 4 घंटे पढ़ाने वाले हैं। मैं एक बार सनी सर से बात करके आपको वापस आती हूँ, है ना? दोस्तों आपका एक होमवर्क है, इनके यूजेस लिख कर लाने हैं। आपका होमवर्क है कनकेव लेंस और कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर, इनके इस्तेमाल कहां कहां पर होते हैं आपको ये लिख कर लाने हैं। ठीक है, मैं अगर हो सकता है तो मैं आपकी क्लास कल लगा दूं, जिसमें मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स और वन लाइनर पढ़ा दूंगी। अच्छा कल मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा रही हूँ, कोई भी बच्चा मना नहीं करेगा। कल मैं दोपहर के 2 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा लेती हूँ, 1 से 3, परफेक्ट है? ठीक है कल लगा देती हूँ मैं आपकी क्लास। सबसे पहले मैं इसको जरा
सेव कर लेती हूँ, खुद को भेज देती हूँ। कल आप लोग राजी हो पढ़ने के लिए, मना मत करना कभी ऐसा हो क्लास में सिर्फ मैं ही हूँ और आप लोग आए नहीं हो क्लास में, देख लेना मैं बता रही हूँ, बहुत गुस्सा हो जाऊंगी तुम लोगों से। तो कल मैं आपकी क्लास लगवा रही हूँ एक्स्ट्रा, जहां पर मैं आपको ढेर सारे वन लाइनर पढ़ाऊंगी, कोई भी बीच में बात नहीं करेगा, वन लाइनर की पीपीटी मैं आपको दे दूंगी, कम से कम 200 क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ, तो 200 क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब तक के लिए काफी होंगे। कल सेम टाइम रहेगा क्लास का, क्लास 1 बजे ही रहेगी आपकी, ठीक है जी। रीजनिंग वाले सर का मुझे मतलब नहीं है, अब मैं पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी, बात खत्म। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कल मैं आपको वन लाइनर करवाऊंगी, ढेर सारे वन लाइनर करवाऊंगी, डोंट वरी। सो गाइज लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कल सभी के सभी तैयार रहेंगे। अगर आप चाहते हो मैं सनी सर से और रीजनिंग वाले सर से लड़ाई करूं तो मैं कर लूंगी, डोंट वरी, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और आप सभी के सभी स्टूडेंट क्लास से जाने से पहले एक बार क्लास को रेट कर दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, कल भी 1 बजे क्लास है, अभी लगवाती हूँ जाकर, बाय बाय, क्लास में रेटिंग कर दीजिएगा अपने हिसाब से, बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।